कर दीजिएगा ना फिंगर से मार। आपका क्या नाम है, किस क्लास पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में। दोस्तों आज हमारे सामने कक्षा फाइव का एक बच्चा है शिव कुमार, इसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंदों के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या, जरा बताइए आप। क्या डिटेक्टर? रैन। सर जो यह सेंटर होता है बैटरी से, बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है। सर जो बेस होता है वो इस साइड से आकर यहाँ पर जुड़ा होता है, और जो सेंटर इस साइड से आकर इस तार यहाँ पर जुड़ा होता है। जो इमीटर होता है बजर के प्लस के में जुड़ा होता है, बजर का माइनस एंड एलईडी का प्लस में जुड़ा होता है। और सर बैटरी जो है ये लो वोल्ट की है, बैटरी का माइनस पॉइंट एंड बजर एलईडी का माइनस पॉइंट सेम होता है, जुड़ा होता है। सर यह जैसे इसका फायदा क्या होने वाला है कि ये डिटेक्टर, ये आपका हाउस है ठीक है, आपने इस पाइप के ऊपर ये लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा क्या नाम है? ये रैन डिटेक्टर की प्लेट है ठीक है। जब इसके ऊपर कोई भी ड्रॉप गिरेगा वाटर की, तो ये आपके घर के अंदर साउंड करेगा। इससे फायदा हमारा ये होने वाला है कि अगर मैं घर के अंदर सोया हूँ, छत पे कोई भी चीज़ रखी हुई है आपकी, अचानक से बारिश आती है, आजकल मकान बहुत कंजेस्टेड है, घरों में 3-4-5-10 फ्लोर के मकान है, पता नहीं चलता कि ऊपर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, उन लोगों के लिए बहुत ही फेथफुल है। जरा इसका आप चेक करके दिखाओ उसको कि किस तरह से वर्क करता है। ये बैटरी लगा ली है ठीक है, ठीक सर। ये वाटर है, ये वाटर आप इस प्लेट पे लगाएंगे। यस। देखिएगा आप लोग कि ये वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है। ये देखिए इसका साउंड, इसके अंदर एक बल्ब जल रहा होगा। yes. ये काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर अगर वाटर के अलावा कुछ और गिरता तो भी ये साउंड करेगा? नो सर, वाटर रैन गिरेगा तभी, मतलब इसको जब अर्थ मिलेगा तभी काम करेगा। ये इसका फेस वर्क कर रहा है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ एक हमारे पास और प्रोजेक्ट है, आप इसको ले जा सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कराता हूँ उस बच्चे से। क्या नाम है आपका? राजवीर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 5। ये क्लास 5th का प्लॉटर का स्टूडेंट है। कक्षा 5 के बच्चे उस तरह के प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं जो हमने, जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैं बीटेक कर रहा था, उस दौरान मैंने ऐसे बच्चों को देखा था कि वहाँ प्रोजेक्ट नाम की बात होती थी। कभी भी किसी भी एकेडमिक स्कूल में मैंने प्रोजेक्ट की बात नहीं सुनी थी आज तक लाइफ में। पहली बार ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करता है। हम लोग जो हमारी एजुकेशनल है, बोर्ड एजुकेशन जिसको कहते हैं, लगातार हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उस एजुकेशन से ऊपर हटके एक बार प्रैक्टिकल की दुनिया में आने का प्रयास करते हैं। हमारे छोटे बच्चे आपको दिखाएंगे किस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। इस पर सबसे पहले बताएं इसका नाम क्या है? अर्थक्विक। कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपने नाम सुना होगा अर्थक्विक क्या आपको याद आ गया होगा, पिछले 1-2 महीने में लगातार 3-4 बार अर्थक्विक हुई है हमारे देश में, लगातार भूकंप के झटके, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनसे कुछ अर्थक्विक का मतलब किया था। कैसे काम करता है आपका इलाका? सर ये सप्लाई के द्वारा जब प्लस होकर बजर में जाता है और इस केबल के द्वारा माइनस होते होते हैं, इसे सेफ्टी पिन के नीचे जो बोल्ट है उसमें जाता है, जब अर्थक्विक आता है हिलता है ना, तो तब ये माइनस माइनस आते हुए इस बजर में आता है, तो ये बजर में आता है। ये आपका हाउस है? यस सर। आप ये अर्थक्विक जो अलार्म है इसको भी आप वाटर डिटेक्टर से छत पे लगाएंगे या रूम के अंदर ही लगाएंगे? इसको रूम के अंदर भी लगाएंगे। आप इसको रूम के अंदर लगा सकते हैं ठीक है। जैसे अर्थक्विक आएगा होगा क्या, ये जो आपका जो साउंड ये वायर है, इस वायर में क्या आता है? माइनस आता है। जैसे ही अर्थक्विक आएगा आप इस टाइप का एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं जो ये उनके लिए बेहतर है जहाँ पे भूकंप के लगातार झटके आते हैं, जैसे कि नेपाल है हमारा ठीक है, और जापान है जहाँ पे लगातार अर्थक्विक आते हैं। नेपाल में 24 घंटे में 5-7 बार अर्थक्विक आते हैं जिनकी तीव्रता 2-3-4 तक ही रहती है, तो वहाँ के लिए बेटर है कि आप अपने घर के अंदर लगा लेंगे, और लगाने के बाद जैसे ही आपकी धरती थोड़ी सी हिलती है अर्थक्विक आता है, तो ये आपका जो वायर है उसमें टच करेगा। यस सर, जब ये सेफ्टी पिन में टच करेगा तो ठीक है, ये अलार्म बजेगा। शॉर्ट क्लियर बजाओ उसको। कैसे काम करता है ये देखिए, आप साउंड सुन रहे होंगे हमारे वीडियो में कि जैसे इसको आपने पावर प्रोवाइड किया और ये इसको क्रिएट कर रहा है,
जस्ट लाइक अब देखिए आप इसको आपने यहाँ से हटा लिया ठीक है तो ये साउंड नहीं कर रहा तो इस टाइप का एक प्रोजेक्ट आप डिजाइन करके रख सकते हो उन कंट्रीज के लिए बेहतर चीज है जहाँ पे लगातार रोज भूकंप के झटके आते हैं और हमारी जिंदगी जो है वो एक सदमे में रहती है हम लोग परेशान रहते हैं लगातार इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट देखने के लिए आप हमारे बच्चों को प्लॉटरफायर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं हमारे चैनल को भी देख सकते हैं और हमारे बच्चों का एक मानना ही है हमारा विद्यालय लगातार ये प्रयास करता है कि हम लोग किताबी ज्ञान से ऊपर उठ के गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि हम लोग नई शिक्षा नीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसी कदम में सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कटकम ये दोनों बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं कक्षा पाँच के स्टूडेंट हैं ऑनली क्लास फाइव के बच्चे हैं कक्षा पाँच के बच्चों ने दो अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको इस विद्यालय के माध्यम से मिलते रहेंगे धन्यवाद।